और यूक्रेन की जंग विनाशक मोड़ पर आ चुकी है। वॉर जोन में कई मोर्चों पर काउंटर ऑफेंसिव कर रहे यूक्रेन को अब अमेरिका और विनाशक हथियार देने वाला है। उधर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में जंग और विध्वंसक होगी। नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका को चुनौती मिली है। किम जोंग ने रूस के रक्षा मंत्री के सामने अपने बारूदी हथियारों का जखीरा तक रख दिया। चलिए तो बात करते हैं किम जोंग की। जी हां, किम जोंग की अमेरिका को सीधी चुनौती सामने आ गई है। किम ने दिखाए विनाशक हथियार। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के सामने उनकी जब मुलाकात हो रही थी तो वेपन की परेड कर डाली। विक्ट्री डे के मौके पर नॉर्थ कोरिया का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये विक्ट्री डे है नॉर्थ कोरिया का और यहाँ पर किम जोंग को आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। और अब किम जोंग की ये जो ताकत है, ये मिलिट्री ताकत, शक्ति प्रदर्शन मिलिट्री डे के मौके पर देखने को मिल रही है। जब मुलाकात हुई थी रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से तो उनके सामने वेपन की परेड कर दी। और ये वेपन की परेड बताती है कि नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है, नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को दिखाने में लगा हुआ है। किम जोंग की अमेरिका को ये सीधी ललकार है, ये सीधी चुनौती है। जिस तरह की परेड कराई गई, वेपन्स की परेड कराई गई, उससे साफ है कि नॉर्थ कोरिया किस मकसद से आगे बढ़ रहा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री के साथ खुद मौजूद दिख रहे हैं किम जोंग। सरगेई शोइगु देख रहे हैं आप, सरगेई शोइगु को और किम जोंग को एक साथ, उनके सामने ही वेपन की परेड की गई, हथियारों की परेड की गई। और ये विनाशकारी क्या अलार्म है, इसके संकेत मिल गए। प्योंगयांग से आई इन तस्वीरों ने पेंटागन को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि अमेरिका के दो दुश्मन एक साथ, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। उन हथियारों में ड्रोन शामिल था, उन हथियारों में लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल थी, उन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम शामिल था, आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा बेचैन इस तस्वीर को देखकर हुआ, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने रूसी रक्षा मंत्री शोइगु को हूबहू वैसा ही ड्रोन दिखाया जो अमेरिका के रीपर और ग्लोबल हॉक जैसा है। किम का ड्रोन अमेरिका के दोनों ड्रोन की कार्बन कॉपी लगता है, जिसमें से कुछ हिस्सा रीपर जैसा और कुछ हिस्सा ग्लोबल हॉक की तरह है। नॉर्थ कोरिया के पास जो ड्रोन है उसकी खासियत भी सुन लीजिए। ये एक कॉम्बैट ड्रोन के अलावा जासूसी ड्रोन भी है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। हेलफायर जैसी मिसाइल ले जाने में सक्षम है। दोनों विंग पर तीन तीन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा जैसा रीपर और ग्लोबल हॉक में कैमरा और सेंसर लगा है, खास बात यह है कि विंग स्पैन 20 मीटर है, जितना कि रीपर का होता है। अब समझिए अमेरिका इस ड्रोन को लेकर क्यों परेशान हो गया है, क्योंकि शोइगु के सामने ड्रोन की नुमाइश करके ऐसा लगता है जैसे रूस इसे जंग में इस्तेमाल करेगा। अब सोचिए, जब अमेरिका के ड्रोन जैसा ताकतवर ड्रोन यूक्रेन में अटैक करेगा तो कितनी तबाही मचेगी। दूसरी तरफ वेन सॉन्ग मिसाइल भी रूस किम से ले सकता है, जो दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलों में से एक है। हथियारों को दिखाकर किम ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। और ये नुमाइश ऐसे वक्त में की गई है जब यूक्रेन को 1700 ड्रोन मिलने वाले हैं। इसके अलावा F-16 के लिए डेनमार्क में यूक्रेन के पायलट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन को हथियारों की भारी भरकम खेप देने जा रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया अगर रूस को ड्रोन और मिसाइल के अलावा दूसरे हथियारों के खेप भेजता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे नेटो देशों के लिए भी ये बुरी खबर है, क्योंकि रूस पहले से ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुका है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से मिलने वाले हथियारों से वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बाल्टिक देशों में एक साथ तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन जंग का रुख बदलने वाली खबर है।
पहली बार पुतिन ने माना है महाविध्वंसक हुई है जंग। जी हाँ, पहली बार दक्षिण पूर्व में बेहद विध्वंसक मोड़ पर इस वक्त जंग पहुंच गई है, ये पुतिन ने कहा है। कैस्पियन सी में मौजूद सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर अचानक ही रात के वक्त मूवमेंट तेज हो गए। लड़ाकू विमानों की पूरी खेप एयर स्ट्रिप पर दौड़ने के साथ ही आसमान में टेक ऑफ करने लगी। और इसके चंद घंटों बाद सेंट्रल यूक्रेन से वेस्ट यूक्रेन तक बारूदी कोहराम मच गया। ताबड़तोड़ मिसाइलों के अटैक से यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। भारतीय समय अनुसार रात के 3 बजे यूक्रेन पर रूस के आसमानी जंगबाजों ने मिसाइलों और हाई इंटेंसिटी वाले विनाशक बमों से प्रहार किया। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कैस्पियन सागर से रूस के 7 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन पर 56 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन पर 20 से ज्यादा फैब 500 बम दागे। रूस के हमले में कीव समेत सेंट्रल वेस्ट यूक्रेन तबाह हो गया। किया जा रहा है कि साल 2023 में रशियन ब्रिगेड की तरफ से किया गया ये सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि 26-27 जुलाई की दरमियानी रात को हुए इस अटैक में रूसी लड़ाकू विमानों ने 56 से ज्यादा क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मसलन रूसी फाइटर जेट ने 36 X-101 KH-555 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा 5 3M-54 कैलिबर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने 4 KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी प्रहार किया। वहीं रूस ने करीब 11 KH-38 क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया। शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड कुछ इस अंदाज में प्रहार करेगी, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर पोलैंड से सटा यूक्रेन का पश्चिमी इलाका, जहां जहां रशियन मिसाइलें गिरी वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया। तो चलिए आपको यूक्रेन के नक्शे के जरिए बताते हैं कि रूस के विध्वंसक हाइपरसोनिक साइक्लोन ने कहां कहां तबाही मचाई। मसलन रूस के मिसाइल अटैक का सबसे ज्यादा तांडव खमेलनित्स्की में देखने को मिला। इसके अलावा राजधानी कीव, टर्नोपिल, जाइटोमीर, चेर्निवित्सी और वेनेत्सिया में रूसी डिफेंस के आसमानी जंगबाजों ने जमकर बमबारी की, आसमान से अग्नि प्रहार किया। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन का निप्रोपेत्रोवस्क इलाका भी रूस के किलर मिसाइलों के प्रकोप से थर्रा गया।
भले ही रूस यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग जारी है, लेकिन इस तरह का मिसाइल अटैक इतने विध्वंसक अंदाज में तबाही पहली बार यूक्रेन में देखने को मिली। शायद यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से न सिर्फ यूक्रेनी सेना बल्कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी सहम गए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एंग्री पुतिन के हमले से खौफ में आए ज़ेलेंस्की ने सरेंडर फाइल पर दस्तखत तक करने को तैयार हो गए, जंग से पीछे हटने तक को मजबूर हो गए। जानते हैं क्यों? दरअसल रूस ने इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ा बल्कि पश्चिम से यूक्रेन को जो हथियार मिले थे उनके बारूदी गोदाम को भी पुतिन ने एक प्रहार में ही जलाकर राख कर दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका सितंबर में यूक्रेन को देगा अब्राम्स टैंक। अमेरिकी अब्राम्स टैंक पर पॉलिटिको का दावा सामने आया है, अगस्त में जर्मनी भेजे जाएंगे अब्राम्स टैंक। जर्मनी में कुछ बदलाव के बाद यूक्रेन को मिलेंगे ये टैंक। तो यूक्रेन आएगा अब्राम्स, वॉर जोन में विध्वंस देखने को मिलेगा। अमेरिका सितंबर में यूक्रेन को अब्राम्स टैंक्स देगा, अगस्त की शुरुआत में जर्मनी भेजे जाएंगे टैंक। जर्मनी में कुछ बदलाव के बाद यूक्रेन भेजे जाएंगे। अमेरिका यूक्रेन को टैंक के पुराने M1A1 मॉडल देगा और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए ये टैंक तैनात होंगे। आपको ये भी बता दें कि अब्राम टैंक्स की ताकत क्या होती है, क्या होते हैं अब्राम टैंक्स। 120mm की M2556 स्मूथ बोर गन से लेस स्मूथ बोर गन 3 किलोमीटर तक का मार सकती है, मार करने में सक्षम है। अमेरिका का मुख्य युद्धक टैंक है अब्राम्स, तो ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी ताकत है अब्राम टैंक्स की, जो कि अमेरिका अब यूक्रेन को देने वाला है। और अब्राम टैंक किस तरह से गर्जना करता है, आइए अब आपको ये बताते हैं। अमेरिका यूक्रेन को F-16 की ट्रेनिंग देने जा रहा है क्योंकि रूस के विध्वंसक हमलों से नेटो की टेंशन बढ़ती जा रही है। पुतिन हर दिन यूक्रेन का संहार करते जा रहे हैं, यूक्रेन को नेटो से लगातार नए हथियार भी मिल रहे हैं, इसके बावजूद यूक्रेन हार के नजदीक पहुंच चुका है। क्यों, वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के हमले दिनों दिन यूक्रेन का संहार करते जा रहे हैं। पुतिन के परमाणु बॉम्बर्स ने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया है। पुतिन के एटमी बॉम्बर्स उड़े तो यूक्रेन का आसमान दहल उठा। रूस ने अपने बॉम्बर से यूक्रेन पर सीरियल मिसाइल अटैक किए। पुतिन की फोर्स ने पश्चिमी रूस और कैस्पियन सागर से जमकर मिसाइल दागी। कैस्पियन सागर के ऊपर कम से कम 13 रूसी TU-95MS बॉम्बर्स देखे गए। कई TU-160M बॉम्बर्स भी कैस्पियन सागर के ऊपर उड़ते दिखे। आखिर यूक्रेन के आसमान में ये किस तबाही का इशारा है? यूक्रेन में रूस की तरफ से मिसाइल हमले तेज होने का आखिर मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन पर पुतिन बहुत जल्द बड़ा हमला करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन ने 36 रशियन मिसाइलें मार गिराने का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 36 क्रूज मिसाइलें दागी थी। कैस्पियन सागर से रूस के TU-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरकर मिसाइलें दागी थी। रूस ने ये मिसाइलें कीव, खार्किव और निप्रोपेट्रोवस्क पर दागी थी। रूस के घातक मिसाइल हमलों के बाद जंग में यूक्रेन को F-16 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की जरूरत काफी दिनों से महसूस हो रही है। इस बीच यूक्रेन के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से अच्छी खबर है।
अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन के पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के पायलट्स को डेनमार्क और रोमानिया में F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमेरिका का मानना है कि इससे यूक्रेन को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने की है। F-16 को लेकर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सहयोग करने के लिए ही ज़ेलेंस्की के लिए फ्रांस से भी मदद मिली है। फ्रांस यूक्रेन को जो हथियार देने जा रहा है उनमें 60 बख्तरबंद गाड़ियां, 2 आर्टिलरी सिस्टम, 155 mm के 39 गन, 120 mm के 10 मोर्टार, 118 मिसाइलों के अलावा 704 मिसाइल लॉन्चर और पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर शामिल है। फ्रांस पहले से ही यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है। फ्रांस से मिले 155 mm सेल्फ प्रोपल्ड सीजर से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि नेटो देशों की लगातार सैन्य मदद के बावजूद यूक्रेन आखिर जंग में क्यों नाकाम होता जा रहा है। इस बारे में पश्चिमी युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी नेटो की गलत प्लानिंग है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक नेटो का काउंटर ऑफेंस इसलिए भी नाकाम रहा क्योंकि नेटो देश यूक्रेन के सशस्त्र बलों को सही समय पर आक्रामक हमलों के लिए तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर मिल रही है, पोलैंड सैनिकों की संख्या दोगुनी करेगा। रूस से खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सेना में 3 नए डिवीजन बनाएगा पोलैंड। वैगनर के बेलारूस पहुंचने से पोलैंड में खौफ है। और आपको बता दें कि बेलारूस में वैगनर पोलैंड को हमले का डर, क्या डिटेल्स हैं आपको बताते हैं। वैगनर ग्रुप के बेलारूस पहुंचने पर पोलैंड में खौफ पसरा हुआ है। पोलैंड ने अपनी सेना दोगुनी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा बेलारूस बॉर्डर पर भारी संख्या में सेना तैनात की जाएगी पोलैंड की तरफ से। सेना में 3 नई डिवीजन बनाएगा पोलैंड। यूक्रेन के नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर ने इस बात का दावा किया है। पोलैंड और लिथुआनिया में अटैक कर सकता है वैगनर, और इससे निपटने के लिए पोलैंड ने बड़ी तैयारी की है। और वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस एक सीक्रेट मिशन पर जुटा है। इसी सिलसिले में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आर्टिक में कोला बेस पर भी पहुंचे थे, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। रूस आर्टिक की तरफ ICBM टोपोल लेकर जा रहा है, साथ ही बॉम्बर और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। इसके अलावा 1 अगस्त तक नोटाम जारी कर दिया गया है, यानी रूस अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ करने वाला है जिससे दुनिया दहल सकती है। आखिर क्या है वो रूस का प्लान, पुतिन का प्लान, जिससे पेंटागन में खलबली मची हुई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। आर्कटिक धधकेगा, नॉर्डिक देशों में परमाणु बम फटेगा। और 30 साल बाद सीक्रेट मिशन, न्यूक्लियर बेस पर बजा अलार्म, क्योंकि 32 साल बाद पुतिन आर्कटिक के कोला बेस पहुंचे थे, जो नोवाला जेमेलिया आइलैंड के एकदम पास है। वही जेमेलिया आइलैंड जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु परीक्षण किए हैं। जेमेलिया पर हलचल बढ़ चुकी है, सुपर पावर की निगाहें भी चौकन्नी है। हालांकि पुतिन पिछले हफ्ते कोला गए थे, लेकिन उनके दौरे से पेंटागन में अलर्ट जारी हो गया था कि रूस जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। क्या पुतिन यूक्रेन पर एटमी अटैक करने वाले हैं? क्या रूस फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या नॉर्डिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है? आर्कटिक
आर्टिक को लेकर अमेरिका इसीलिए भी चौकन्ना है क्योंकि नोवाया जलम्या पर 1 अगस्त से नोटाम जारी हो चुका है। नोटाम यानी ऐसी एडवाइजरी जिसमें किसी खास एयर स्पेस को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है और जिसमें बिना मंजूरी के एंट्री बैन होती है। एक तरफ नोवाया जलम्या में 1 अगस्त तक नोटाम जारी हो चुका है, दूसरी तरफ टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी मोर्चे की तरफ जाती देखी गई है और नोवाया पर बॉम्बर के लिए एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। तो क्या किसी बड़े जंग की तैयारी की जा रही है या फिर आर्कटिक में पुतिन किसी सीक्रेट मिशन पर लगे हुए हैं? और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन से भयानक जंग लड़ रहा है, यानी सबका ध्यान जब जंग की तरफ है तब रूस आर्कटिक में कुछ ऐसा कर रहा है जो नेटो की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली टोपोल का मूवमेंट किया जा रहा है जो आर्कटिक बेस से सीधे अमेरिका के किसी भी शहर तक अटैक कर सकती है, वहीं लॉन्ग रेंज बॉम्बर की तैनाती आर्कटिक में की जा रही है जो एक बार उड़ान भरने के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका के गुआम तक तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा आर्कटिक की निगरानी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की गई है, साथ ही साइलो साइट भी यही है जहां न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस ICBM अलर्ट मोड में है। आर्कटिक में नोटाम जारी होना इसलिए भी अमेरिका के लिए गंभीर हो जाता है क्योंकि रूस की सबसे बड़ी परमाणु साइट के एयर स्पेस पर यह अलर्ट जारी हुआ है। ये वही साइट है जहां रूस ने अपने सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण किया था और अब इसी जगह पर रूस न्यूक्लियर लैब तैयार कर रहा है। अगर रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए तो सितंबर 1955 से लेकर अक्टूबर 1990 तक रूस ने 130 टेस्ट इसी जगह पर किए हैं, जिसमें से 88 एयर टेस्ट, 39 अंडरग्राउंड टेस्ट और 3 अंडरवाटर टेस्ट किए गए। अब सवाल ये, क्या इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ न्यूक्लियर लैब की सुरक्षा के लिए है या फिर पुतिन का इरादा कुछ और है? कहीं पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करने जा रहे, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद 2002 में एंटी न्यूक्लियर ट्रीटी के बाद से रूस ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, या फिर पुतिन किसी बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें जलम्या को एक्टिव बेस में तब्दील करके उसे युद्ध का बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं। दरअसल रूस की बौखलाहट फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से बढ़ी हुई है और अब अगर स्वीडन भी नेटो में शामिल होगा तो रूस पलटवार जरूर करेगा और इसी पलटवार के लिए आर्कटिक रीजन काम आएगा, इसलिए नोवाया जलम्या और कोला को एक्टिव मिलिट्री बेस में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है यूक्रेन को हराने के बाद पुतिन 3 मोर्चों पर अमेरिका को चैलेंज करेंगे, जिसमें जापान सागर में नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, पैसिफिक में चीन के साथ मिलकर और आर्कटिक में पावर दिखाकर नॉर्डिक देशों को धमकाएंगे। और पुतिन जानते हैं कि अमेरिका तीनों मोर्चों पर एक साथ भिड़ने से बचेगा। इस बीच वो बाल्टिक में अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आर्कटिक की ताकत से बाल्टिक में बादशाहत कायम करने का बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है, डोनेस्क और जेपुरिजिया में पलटवार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ISW यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने डोनेस्क के स्टारोमायर्स्क के को मुक्त भी कराया। और इस बीच यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर एक्शन में MLRS दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस से मिले MLRS से रूस पर हमला हुआ है, यूक्रेन के हमले में रूसी फ्रंटलाइन तबाह हो गया। इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि फ्रांस के हथियारों से यूक्रेन का भीषण हमला देखने को मिला है, रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया है। 155 mm सीजर से यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेनी हमले में धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका।